नमस्कार सभी भाइयों को। भाइयों, आज हम एसके 6565 ट्रैक्टर के बारे में जानेंगे कि इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो भाइयों, इस ट्रैक्टर के ओनर हमारे साथ भैया। तो भैया, आपका क्या नाम है? रानू सिंह। रानू सिंह भैया का नाम है। तो भैया, ट्रैक्टर कैसा निकला? ठीक है। तो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए भैया, क्या गड़बड़ कोनो है। तो आप इससे पहले कौन सा ट्रैक्टर यूज कर रहे थे? यही यूज कर रहे थे। कौन सा मॉडल था भैया आपका? यही मॉडल 450 था। 50 HP का ट्रैक्टर था। तो भैया, मतलब कैसे, इसमें क्या क्या खासियत लगी, क्या क्या खूबियाँ लगी? सब चीज खूबी है, चाहे जो करो। तो रोटावेटर भैया आप इस पे कौन सा चलाते हैं? 2 मीटर। कैसा चलाता है? बढ़िया चलाता, अच्छा चलाता है। कौन से गियर में आप चलाते हैं? नंबर 3 में चलाते हैं, 2 में चलाते हैं। अच्छा, लो के 3 में और लो के 2 में। तो और सब कैसे, वैसे मतलब पुराना ट्रैक्टर वैसे चला है, उसको दे के लिया था आपने उसको जनसम? तो भाइयों, अगर इस ट्रैक्टर के इंजन की बात कर ली जाए तो इसमें 105 mm का बोर स्ट्रोक मिलता है, और इंजन की क्षमता की बात की जाए तो 4088 cc का इस ट्रैक्टर में इंजन आता है। और भाइयों, 2200 जनरेटेड RPM पे ट्रैक्टर काम करता है। वही ड्राई टाइप एयर क्लीनर, सूखा एयर क्लीनर है। और भाइयों, कंपनी फिटेड इसमें EGR भी दिया हुआ है इस ट्रैक्टर में, और 4 सिलेंडर इनलाइन का बॉस का पंप भी दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। और डुअल कनेक्टिंग पावर स्टीयरिंग दी हुई है, जिसको हम बैलेंस टाइप कहते हैं, जो कि ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज में काफ़ी अच्छी स्टीयरिंग मानी जाती है। और भाइयों, देख सकते हैं आप, एडजस्टेबल एक्सल है इसका फ्रंट का, देख सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं आप। कंपनी फिटेड हैवी वेट भी लगा हुआ है इस ट्रैक्टर में, और अगर आप वेट बढ़ाना चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं। कुछ ऐसी आती है इस ट्रैक्टर की लुक, सामने से आप देख सकते हैं। फ्रंट के टायर 750/16 के दिए हुए हैं, MRF के। भाइयों, अगर बैक टायर की बात की जाए तो 16/28 के इसमें MRF के बैक टायर भी आते हैं, देख सकते हैं आप। पीछे से कुछ ऐसी लुक आती है ट्रैक्टर की, देख सकते हैं भाइयों। 1800 kg की लिफ्ट कैपेसिटी आती है इस ट्रैक्टर में, कंपनी फिटेड। डबल ऑब्जरी वाल भी दिए हुए हैं, देख सकते हैं आप। और वही ADDC टाइप की हाइड्रोलिक इसमें दी हुई है भाइयों ट्रैक्टर में, देख सकते हैं आप। कुछ ऐसा दिखता है इसका बैक लुक भाइयों। काफ़ी हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर है ये, देख सकते हैं। लोहा काफ़ी इस ट्रैक्टर में कंपनी ने यूज किया हुआ है, काफ़ी मजबूती के साथ में आता है इसका ट्रैक्टर, जो कि JCB या क्रेन इंडस्ट्रीज में आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा नाम है इसका। भाइयों, अगर इस ट्रैक्टर के डीजल टैंक की कैपेसिटी की बात की जाए तो 65 लीटर का डीजल टैंक इस ट्रैक्टर में देखने को मिल जाता है। 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स स्पीड के साथ में आता है भाइयों ट्रैक्टर, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे हाइड्रोलिक का लॉक दिया हुआ है, ये PTO है। PTO इसका इसमें 540 का, और रिवर्स का और मल्टी PTO स्पीड का ऑप्शन भाइयों इस ट्रैक्टर में मिल जाता है। और उधर हाइड्रोलिक के कंट्रोल दिए हुए हैं, देख सकते हैं, जो कि सीट से थोड़ा ही नीचे हैं, जो कि कंट्रोल में काफ़ी बढ़िया है, देख सकते हैं। डुअल क्लच आता है भाइयों इस ट्रैक्टर में, 280 mm का इस ट्रैक्टर में क्लच प्लेट लगी हुई है। आयल ब्रेक आता है भाइयों इस ट्रैक्टर में, आयल ब्रेक आती है, आयल में डूबे हुए ब्रेक, देख सकते हैं आप। ड्राई, अगर आप सूखे ब्रेक लेना चाहें तो सूखे ब्रेक भी इस ट्रैक्टर में मिल जाते हैं। ये इसका वाटर सेपरेटर दिया हुआ है। और भाइयों, अगर इस ट्रैक्टर के इंजन की बात की जाए तो इस ट्रैक्टर के इंजन पे एस की बैजिंग दी हुई है, जो कि जीटर कंपनी का इंजन है, जो कि HMT ट्रैक्टरों में आता था। भाइयों, इसमें इस साइड हाइड्रोलिक का पंप फिल्टर दिया हुआ है, और इस साइड मोबिल का फिल्टर दिया हुआ है, और पावर स्टीयरिंग का पंप अलग है और हाइड्रोलिक का पंप अलग है। तो भैया, वैसे आपको किस प्राइस में पड़ा था ट्रैक्टर, कितने का पड़ा था आपको ट्रैक्टर? 6,80,000 का। भाइयों, 60 HP का ट्रैक्टर है, छूट थी 1 लाख ट्रैक्टर पे छूट थी। तो भाइयों, छूट पे इन्होंने ट्रैक्टर लिया था 6,80,000 में, जो कि काफ़ी बढ़िया है। तो भैया, एक बार ट्रैक्टर को स्टार्ट करके आप दिखा दो। भाइयों, सुन सकते हैं आप इस ट्रैक्टर के साउंड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं नेक्स्ट वीडियो आप किस ट्रैक्टर के देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं भाइयों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं एक बड़ी वीडियो भी इस ट्रैक्टर की बना दूंगा, देख सकते हैं भाइयों।